हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैंने एक वीडियो डाली थी FMG एंड ये सब को लेके, NMC का जो भी चल रहा था। एंड मुझे बहुत ही, मतलब जैसा मेरा चैनल चल रहा है, मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला एंड बहुत सारे कमेंट्स एंड कुछ ऐसे चीज़ें जो, मतलब ठीक है, दूसरे के ओपिनियंस अलग है, मेरे ओपिनियंस अलग है। एंड जो भी FMG वाला है, ऑफकोर्स वो रिलेट कर पाएगा क्योंकि उन्होंने वो सिचुएशन देखी है एंड वो जानते हैं सच क्या। इंडिया वालों का ऐसा कि उनको कुछ और चीज़ें, और या फिर एज अ ह्यूमर उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं जो सच में रियलिटी में ऐसा नहीं है। सो सबके अपने अपने ओपिनियंस थे, मैंने पढ़े एंड मुझे लगा कि कुछ चीज़ क्लियर कर सकती हूँ मैं, या फिर मेरे ओपिनियन है यार। एंड मुझे बस बताना है, मैं इससे ये नहीं बताऊँगी कि कौन सा इंडिया में कॉलेजेस बेस्ट हैं या फिर फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस वर्स्ट हैं। मैं ये नहीं बोल रही, ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुमको कहाँ जाना है, तुमको कहाँ से MBBS करनी है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रही हूँ एंड ये मेरा ओपिनियन है। एंड अगर तुम लोगों को पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो तुम लाइक कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा इन इन लोगों को ये मेरे ओपिनियन सही लगे, या फिर कमेंट में बता दो कि हाँ भाई ये ओपिनियन मेरे को सही लगे, लेकिन आपने इस चीज़ पे, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसा सुना है वो वैसा नहीं है एंड जैसा आप बता रही हैं वैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ये बात पे आते हैं कि NMC ने बोला था कि जो भी ये 2 से 3 साल वाला इंटर्नशिप जो बोल रहे हैं कि उन लोग स्पेसिफिकली क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि, एंड होता भी होगा कि कुछ बच्चे बाहर से डिग्री, MBBS की डिग्री खरीद लेते हैं एंड फिर वो नाम के डॉक्टर कहलाए जाते हैं एंड उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता एंड फिर इंडिया में आते हैं वो एंड एज अ डॉक्टर उन लोग उनको नहीं देखते, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हर बच्चा ऐसा नहीं होता है, कुछ होते हैं जो सच में मेहनत करते हैं, खुद से कॉलेज के एग्जाम्स क्लियर करते हैं एंड डिग्री अपनी मेहनत के उससे लेते हैं एंड फिर इंडिया आते हैं, इंडिया में एग्जाम अपने बलबूते पे देते हैं, ठीक है। अब बात आई ये डिग्री खरीदने वाली, होता होगा एंड कुछ लोग किए भी होंगे एंड करते भी होंगे, लेकिन क्या ये इंडिया में नहीं होता है ऐसा? इंडिया में कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि हाईली रेप्यूटेटेड होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा नाम होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस होते हैं एंड बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं उसमें, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या ऐसा नहीं होता कि वहाँ की सीटें खरीदी नहीं जाती हैं? वो भी तो वही चीज़ हुआ ना कि अगर बच्चा नीट में अच्छा नहीं किया है एंड फिर भी उसको इतना अच्छा कॉलेज मिल रहा है, क्या वो फेयर है? फिर क्या वो बच्चे का नहीं देखा जाएगा कि वो कैसा डॉक्टर बनेगा अगर वो ये एग्जाम नहीं निकाल पा रहा है, फिर भी उसके पेरेंट्स या फिर जो भी हो वो अफोर्ड कर पा रहे हैं एंड वो सीट खरीद रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, एंड फिर बाद में क्यों, अगर वो एक हाईली रेप्यूटेटेड कॉलेज में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है या फिर उसने सच में खुद से मेहनत करके वो पाई है। अगर वो बच्चा बाकी बच्चों के साथ है जो कि जिन्होंने खुद से एक मेहनत करी है एंड एक वो बच्चा जिसने शायद खरीदी है वो सीट एंड वो मतलब ऐसे घुला मिला हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि वो बच्चा भी इन बच्चों जैसा होगा, वो बच्चा भी ये जो सच में मेहनत किए रहे होंगे उनके बीच में वो भी वही कहलाया जाएगा। उसको पता है अपनी रियलिटी, उसने वो कैसे ये सीट पाया है, ठीक है, उसको अपनी रियलिटी पता है एंड जो लोग यहाँ पे भी ऐसा करते हैं उनको अपनी रियलिटी पता है एंड ये रियलिटी चेक होता है, कभी ना कभी झूठ पकड़ा जाता है एंड उनको उनके कर्मों का फल मिल जाएगा। और बोला जाता है कि बाकी युगों में राक्षसों का एक अलग अपीयरेंस होता था कि वो एक अलग से ही दिख जाते थे कि ये राक्षस है एंड ये देवताएं हैं एंड ये ऐसे करके हम सबको पता लगा लेते थे, लेकिन कलयुग में इंसान के अंदर देवता भी हो सकते हैं, इंसान के अंदर वो राक्षस वाली क्वालिटीज भी हो सकती है, हम नहीं पता लगा पाएंगे कि ये कलयुग में कौन राक्षस है, कौन वो है, कौन अच्छा है, क्योंकि हर कोई सिमिलर दिखते हैं। उसी का कॉन्टेक्स्ट लेते हुए बोल रही कि अगर वो बच्चा जो कि जिसने सीट खरीदी है इंडिया में एंड वो बाकी बच्चे जो मेहनत से लाए हैं, वो नहीं पता लगा पाओगे कि किसने सच में खरीदी है एंड कौन सच में मेहनत करा हुआ है, उसको उसकी रियलिटी पता है। वैसे ही हम FMG वालों को, मतलब कि एक ने किया है तो मतलब ऑलमोस्ट सब ने ही किया होगा एंड उसके लिए रूल बना देते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा। एंड अगर लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब जो फॉरेन में ऐसे डिग्री खरीद लेते हैं एंड वो सब, देखो हर कोई सेम नहीं होता, कोई अपनी सच में मेहनत करता है। एंड ये बात देखो ना कि अगर हमने यहाँ से MBBS करी, उसके बाद सबको पता है कि हमको एक एग्जाम देना पड़ेगा FMGE करके, तो वो तो इंडिया कंडक्ट करेगा ना, इंडिया वाले कंडक्ट करेंगे उसको, वो तो एकदम फेयर होगा। तो अगर जिसने भी डिग्री खरीदी होगी, जिसने सच में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी होगी, वो एग्जाम में पास ही नहीं होगा। एंड जो बच्चा जिसने सच में मेहनत करी होगी, सच में मतलब चीज़ों को एक एक चीज़ को समझा, प्रैक्टिकली समझा या जो भी, अगर वो एग्जाम निकाल ले रहा है तो
तो इसका मतलब कि उसने सच में मेहनत करी है, उसने सच में एग्जाम निकाला है। अगर वो इंडिया का एग्जाम निकाल ले रहा है तो उन लोगों को क्यों ऐसा बोलना कि अरे तुमने तो डिग्री खरीदी है ऐसा वैसा। अगर वो खुद की मेहनत से कर ले रहा है तो उसने नहीं किया होगा ऐसा, एंड अगर किया भी होगा तो उसको लाइसेंस मिल रहा है, उसकी खुद की मेहनत से उसको लाइसेंस मिल रहा है। क्यों उसको इंटर्नशिप ऐसे 2 साल या 3 साल की कर देना। एंड एक बात और, मतलब ये तो मैंने एक जगह मतलब कमेंट में कोई आया ही था, एंड मोस्ट ऑफ द थिंकिंग मतलब जब मैं अपने घर की पहली डॉक्टर बन रही हूँ, सो मेरे को ये स्ट्रीम के बारे में या फिर मेरी फैमिली को ये स्ट्रीम के बारे में नहीं पता था इतना ज़्यादा। हम लोग थोड़ा मतलब ऐसा किसी ने बताया भी नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब सराउंडिंग भी में भी ऐसे कोई डॉक्टर ऐसे रहा नहीं, या फिर कोई बाहर से किसी ने डॉक्टरी ऐसे की नहीं। सो मतलब जब भी ऐसे पूछते थे ना अब्रॉड और वो सब, मतलब सबका थोड़ा सा वैसा अरे वहाँ जाके बाहर से तुम डिग्री कर ले रहे हो तो शायद वो फेक भी हो सकती है या फिर खरीदी भी हुई हो सकती है। पहले तो जब मैं कर रही थी तब तो यही ह्यूमर टाइप का फैला था कि अरे वहाँ की ना डिग्री फेक रहती है ऐसा वैसा। फिर बाद में बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, ज़्यादा डिसीजन लेने के बाद मतलब फाइनल हो गया था कि ठीक है बाहर से करवा सकते हैं ये वो, मतलब कर सकते हैं MBBS। हाँ ये था कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है जो भी FMG करते हैं उनके मार्क्स 150, 175, 200 कुछ ऐसे होते हैं। देखो हर बच्चा 150, 170 वाला नहीं होता है जो भी FMG करता है। कुछ बच्चे सच में जिनके होते हैं 400, 500, 550 ऐसे वाले लोग भी FMG करते हैं। क्यों? देखो हर किसी की सिचुएशंस अलग होती हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर किसी को सीट नहीं मिल पाती है इंडिया में, या फिर बहुत सारे रीजंस होते हैं कि नहीं कर पा रहा इंडिया से, एंड उनके पास एक ऑप्शन है कि हम बाहर से कर लेंगे, MBBS की डिग्री ले लेंगे, एग्जाम भी दे देंगे इंडिया का, एंड फिर सॉर्टेड। तो इसका मतलब ये नहीं तुम ये जज क्यों कर रहे हो कि FMG वाला सिर्फ 150-200 तक ही अटका रहता है, वही बच्चे सिर्फ करते हैं FMG। ये तुम्हारी छोटी सोच है। तुम अगर सीट ले आ रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मतलब तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। हर जगह दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि बोल सकते हैं कि एक उनकी पोजीशन है सच में। तो ये इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि तुम अगर वहाँ वो वाली कंट्री से, मतलब इंडिया में ऐसा बोला जाता है अगर तुम इंडिया से करोगे तो ही बेस्ट है, अगर तुम बाहर से करोगे इसका मतलब ना डॉक्टर अच्छे नहीं हो फिर तुम। ये तुम्हारी छोटी सोच है क्योंकि तुमने सिर्फ दुनिया उतनी ही देखी है। जो हम FMG वाले होते हैं तुम लोग को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है ना हमारे लिए कि बस क्या ही करना, मतलब ज़्यादा इतना चिल करो बस और डिग्री खरीद लो, जैसा कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, एंड कुछ नहीं करना एंड पार्टी चिलिंग बस। जो लोग ये सब नहीं करते उनके लिए भी यहाँ पे भी MBBS डिफिकल्ट होता है। जो लोग FMG वाले हैं वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए मेरे को कोई आई गेस मेरे को ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ आप ही लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आप ही लोग सिर्फ इंटर्नशिप में जा रहे हैं, मतलब आप ही लोग 4-4.5 साल तक सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो भी बाहर वाले लोग हैं वो ऐसा कुछ नहीं। सी FMG वाले हैं, हमारे यहाँ भी प्रैक्टिकल्स इंटर्नशिप हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी शिफ्ट लगती हैं। सो अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता हो तो प्लीज़ रिसर्च कर लीजिए, या फिर ये ह्यूमर वाली चीज़ से प्लीज़ हट जाइए, अपने जानिए कि क्या कैसा होता है दूसरे के साथ। एंड सी ये सब था जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया एंड बता रही, अगर मैं भी इंडिया में कर रही होती तो शायद मैं भी ये सब ह्यूमर्स में, या फिर मैंने भी सुने हैं यार, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सुनी नहीं हूँ एंड फालतू का मतलब बोल रही हूँ बस यहाँ पे, नहीं मैंने ये सब सुना है। एंड बहुत से लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि बाहर से ना, बाहर वाले जो भी बाहर से MBBS करते हैं वो काइंड ऑफ अ घोटाला एंड ये सब होता है, लेकिन हर पर्सन अलग है एंड हर पर्सन का उसका कर्म अलग होता है। सो उसको जज मत करो कि अगर एक इंसान ऐसा कर रहा है तो मतलब पूरा का पूरा ही वो कर रहा है ऐसा। सो ये था मेरा ओपिनियन, आई गेस हर किसी का एक अलग अलग ओपिनियन होता है एंड शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी को ये वीडियो पसंद आती है तो वो लाइक कर दे, क्योंकि पता चल जाएगा कि कौन कौन मेरी बातों से, मतलब मेरे को आई गेस ऐसा लगता है कि इंडिया वाले अभी भी वो ह्यूमर वाली जोन में जीना चाहते हैं, या फिर वो सिर्फ अपना अपने को बेस्ट मानना चाहते हैं कि जो अगर वो वहाँ से कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, और जो भी लोग बाहर से कर रहे हैं ना वो ऐसे ही है। कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सोचते रहिए। एंड हर किसी के में एक अलग अलग वो लिखा रहता है, हर किसी का भाग्य अलग होता है। अगर आप वहाँ कर रहे हैं तो आपके भाग्य में इंडिया लिखा होगा, एंड किसी के भाग्य में बाहर का MBBS लिखा होगा, तो वो वहाँ कर रहा है। हर किसी की लाइफ अलग होती है एंड हर किसी के सिचुएशंस अलग होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया में भी रह रहे हैं तो आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है,
या फिर अगर हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, नहीं, हर किसी के में अलग अलग सिचुएशंस आ रही हैं एंड हर कोई फेस कर रहा है। सो एंड डॉक्टरी में भी ऐसे, अगर कुछ चीज आप पढ़ रहे हैं तो हम भी वही चीज पढ़ रहे हैं एंड एट द एंड हमको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, हमको ये इस चीज में वो नहीं रहना कि नहीं हमने तो इंडिया से किया था, नहीं हमने तो बाहर से किया था एंड वी आर प्राउड, नहीं, वी ऑल आर डॉक्टर्स एंड हमको सिर्फ यही है कि हम पेशेंट का अच्छे से, हम पेशेंट को ट्रीट अच्छे तरीके से करें, एक अच्छे इंटेंशन से करें, मोटिव वही है हर किसी का। सो दैट्स इट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड जो भी हेटर्स होंगे, प्लीज मैं जवाब देती हूँ हेटर्स लोगों का, एंड जिनको भी वीडियो पसंद नहीं आई होगी तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, एंड जिसको वीडियो पसंद आई होगी तो वो लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मतलब मैं यूजुअली मेडिकल की वीडियोज ऐसे मैं बनाती नहीं क्योंकि मैं भी अभी अपनी लाइफ को इतना नहीं बता रही हूँ, मैं भी सोच रही हूँ कि एक टाइम आएगा एंड जैसा भी रहेगा, अगर आप और ऐसा जानना चाहते हैं एंड प्लीज मैं कुछ सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप यहाँ से MBBS करिए या फिर यहाँ से MBBS करिए, वो आपका डिसीजन है, वो आप करिए जहाँ से आपको करना है, लेकिन मेरा सिर्फ ये ओपिनियन था, मुझे जो सही लगा मैंने बताया, जो मुझे लगा कि लोगों को फैक्ट्स पता होने चाहिए अंदर के भी एंड बाहर के भी, सो वही मैंने किया, यही इस वीडियो का मोटिव था। सो या दैट्स इट, बाय बाय।